वैसे तो सभी मंदिरों में भगवान गणेश के गजमुख स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की जाती है, पर दक्षिण भारत में स्थित एक मंदिर इसका अपवाद है। तमिलनाडु में स्थित आदि विनायक मंदिर, जहां भगवान गणेश का चेहरा इंसान स्वरूप में है, यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान गणेश गजमुखी न होकर इंसान स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही इसकी एक खूबी और है, ये एक ऐसा मात्र गणेश मंदिर है जहां पे लोग अपने पितरों की शांति कराने के लिए पूजन करने आते हैं। यहां की लोक मान्यता है कि इस जगह पर भगवान श्री राम ने भी अपने पूर्वजों की शांति के लिए पूजा की थी, जिस परंपरा के चलते आज भी कई भक्त अपने पूर्वजों की शांति के लिए यहां पूजा करने आते हैं। तमिलनाडु में मौजूद ये मंदिर भले ही बहुत भव्य न हो, लेकिन ये अपने इस खूबी के लिए जाना जाता है। सामान्यतः पितृ दोष के लिए नदियों के किनारे तड़पण की विधि की जाती है, लेकिन मंदिर की खूबी के कारण इस जगह का नाम ही तिल तड़पण पूरी पड़ गया है। यहाँ दूर दूर से लोग अपने पितरों के नियमित पूजन कराने आते हैं। तमिलनाडु के कुटनूर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर तिल तड़पण पूरी नाम की एक जगह है, यहीं पर भगवान गणेश का यह आदि विनायक मंदिर है। इस जगह का नाम तिल तड़पण पूरी पड़ने के पीछे एक खास कारण है। तिल तड़पण पूरी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला तिल तड़पण और दूसरी पूरी। तिल तड़पण का अर्थ होता है पूर्वजों को समर्पित और पूरी का अर्थ होता है शहर, यानी इस जगह का मतलब ही है पूर्वजों को समर्पित शहर। इस जगह पर भगवान गणेश के नरमुखी रूप के साथ साथ भगवान शिव का भी मंदिर है। मंदिर के बीच में भगवान शिव का मंदिर है और शिव मंदिर से बाहर निकलते ही भगवान गणेश का नरमुखी मंदिर देखा जा सकता है। भगवान गणेश के नरमुखी मंदिर के लिए यह धाम प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालु सरस्वती मंदिर के दर्शन किए बगैर नहीं जाते हैं। इस सरस्वती मंदिर को कवि ओट कुठार ने बनवाया था। इसी मंदिर परिसर में भगवान शिव का मंदिर है, जिससे बाहर निकलते ही भगवान गणेश का नरमुखी मंदिर है।